देखिए यूपी जीके में ही जो है ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए आगरा में क्या ताजमहल, ठीक है, जिसे जो है शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में, ठीक है। अकबर का मकबरा जो आपका सिकंदरा में स्थित है, कहां पर? सिकंदरा में स्थित था। एक मौत दो लोग का मकबरा भी कहां पर है? आगरा में। लाल किला आपका दीवाने खास और मोती मस्जिद, लाल किला दीवाने खास और मोती मस्जिद ये आपके आगरा में है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, ठीक है, दीवाने खास और पंचमहल, ठीक है। दीवाने खास ये यहाँ पे भी है और दीवाने खास इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपका पंचमहल। फिर आपका सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है जिससे जो है राज चिन्ह लिया गया है, हमारा जिससे राज चिन्ह लिया गया है वही अशोक स्तंभ, ठीक है। मृगदाव पक्षी विहार, देश में सबसे ऊंची प्रतिमा, देखिए पक्षी विहार ये अलग है, देश की सबसे ऊंची प्रतिमा जो बुद्ध की है, महात्मा बुद्ध की है, वो आपकी जो है कहां पर है, जो 70 फीट ऊंची है, ये सारनाथ में है, ठीक है, 70 फीट ऊंची ये देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। फिर है फैजाबाद, फैजाबाद आपका अयोध्या, बेगम बहू का मकबरा। अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी पूछा गया, पिछले यूपी का जो पेपर था शायद 2018-19 का, उसमें पूछा गया था बेगम बहू का मकबरा कहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका कहां पर है, फैजाबाद में स्थित है। अच्छा आपका अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, अयोध्या आपका कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, ठीक है। और आपका लखनऊ आपको कौन सी नदी के किनारे है, वो आपका गोमती नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। और बरेली आपका कौन सी नदी के किनारे, रामगंगा के किनारे है स्थित, ठीक है। देखिए बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था जो आपका यूपी में स्थित है, दस अवतार मंदिर ललितपुर में है, ठीक है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है, जो सारनाथ का स्तंभ है वहीं से वाराणसी, ये वाराणसी में है, वहीं से हमारा अशोक चिन्ह लिया गया है जो हमारा मतलब राज चिन्ह है। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हमारा कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर ये हमारा यूपी के अंदर है, ठीक है। अच्छा संभल में क्या है, संभल में बाबर द्वारा स्थापित मस्जिद है, ठीक है। संभल में इस मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जामा मस्जिद, ठीक है। अच्छा जो आपका देवबंद में जो इनका संस्थान है दारुल उलूमा, ये आपका संस्थान है, ये कहां पर है आपका देवबंद में, ठीक है। और देवबंद कहां पर है, सहारनपुर में, ठीक है। अच्छा यूपी के अंदर जो गंगा है वो कहां से एंटर करती है आपकी, बिजनौर से, ठीक है। और इसमें यूपी में जो है गंगा की जो लंबाई है यूपी यूपी के अंदर
फिर आपकी 1450 से, ठीक है, किलोमीटर 1450 किलोमीटर टोटल लंबाई कितनी है गंगा की, वो आपकी 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी यूपी की, सबसे लंबी नदी जो है आपकी सहायक नदी गंगा की, वह कौन सी है, यमुना। यमुना कौन सी नदी है, यमुना, ठीक है। चलिए, अच्छा गंगा की और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना, मेघना। और गंगा को क्या बोला जाता है, पद्मा, कहां पर, बांग्लादेश में, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, यमुना, ठीक है, यमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को। अच्छा दक्षिण की गंगा क्या है, दक्षिण की गंगा, गंगा आपकी वो है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। और गोदावरी के किनारे कौन सा शहर है, नासिक, कौन सा शहर है, नासिक गोदावरी के किनारे। ठीक है, और बिहार का शोक, बिहार, बिहार का शोक कोसी, कौन सी, कोसी नदी, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। चलिए बाकी जो है हम कल कराएंगे इसमें, ठीक है। चलिए कितनी लंबी वीडियो हो गई, इसे मिटा देता हूँ पहले मैं। अच्छा सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका नागालैंड, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, नंबर दो है आपका, नंबर तीन सिक्किम, सिक्किम नंबर चार पे आपका, सिक्किम, सिक्किम नहीं है, यह आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मणिपुर और मेघालय, मेघालय, ठीक है, मणिपुर मेघालय नंबर पांच है आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा नंबर छह और नंबर सात, ये आपका, और कौन सा होगा। चलिए ये मैं आपको जो है अगले समय बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबी हो रही है। तो ये आपके जो सेवन सिस्टर जो इधर के शहर है, ये वाले सिक्किम से इस तरह जो होता हुआ अरुणाचल प्रदेश और ये वाले, ठीक है, यहाँ से ऐसे
यानी कि ये जो सात शहर सात राज्य हैं ठीक है, ये आपके सेवन सिस्टम में आते हैं इधर के। ठीक है, चलिए बाकी जो है अपने हम अगली वीडियो में बताएंगे।